अस्सलाम वालेकुम बच्चों बच्चों, अब हमारा सेकंड चैप्टर स्टार्ट हुआ है और सेकंड चैप्टर में सबसे पहले हमारा मौजू है तकवा। ठीक है, तो तकवा में हम सबसे पहले तकवा के लुगवी मायने और इस्तलाही मफहूम देखेंगे, फिर हम इसमें तकवा की तकवा का मरकज़ देखेंगे कि तकवा का मरकज़ क्या है, तकवा की दर्जात देखेंगे, तकवा की अहमियत कुरान व हदीस की रोशनी में देखेंगे, फिर हम तकवा के फ़ायदों समरात देखेंगे। ठीक हो गया, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान पाक की सूरह अल इमरान में अल्लाह ताला का इरशाद होता है, आमनुत्तकुल्लाह का तुकाती, ए ईमान वालों अल्लाह से डरो जैसा कि उससे डरने का हक है। अब तकवा के लुगवी मायने क्या हैं? तकवा के लुगवी या लफ्जी मायने हैं डरना, परहेज़ करना और बचना। जी, तो डरना किससे? अल्लाह ताला से, और बचना और परहेज़ करना किससे? गुनाहों से। अब तकवा के इस्तलाही मफहूम क्या है? तकवा दिल की उस कैफियत का नाम है जिसकी वजह से इंसान बुरे कामों से बचता है और अच्छे यानी नेक काम सर अंजाम देता है। ठीक हो गया, यानी तकवा के मानी है रज़ाइले अखलाक से बचना और फ़ज़ाइले अखलाक से आरास्ता होना, यानी फ़ज़ाइले अखलाक को अपनाना। अब रज़ाइले अखलाक में क्या है? कुफर है, शिर्क है, नफाक है। ठीक हो गया, और फ़ज़ाइले अखलाक क्या हैं? फ़ज़ाइले अखलाक में तौहीद है, ईमान है, अखलास और अच्छे अखलास शामिल है। गोया पूरा दीन इस्लाम एक लफ्ज़ तकवा में बयान किया जा सकता है। इसकी मिसाल यूँ देते हैं कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हज़रत काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा, तकवा किसे कहते हैं? हज़रत काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कहा, क्या आप कभी खारदार झाड़ियों वाले रास्ते से सफ़र किया? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने कहा, हाँ। हज़रत काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा, झाड़ियों में से कैसे गुजरती हैं? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जवाब दिया, मैं अपने कपड़े समेट कर और जिस्म बचा कर गुजरता हूँ ताकि मुझे कोई कांटा ना लग जाए। हज़रत काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने कहा, इसी का नाम तकवा है, यानी ये दुनिया एक खारदार जंगल है जिसमें गुनाहों के कांटे ही कांटे हैं, तो इस जंगल में इंसान का इस तरह से गुजरना कि अपने दामन को कांटों से बचाए यानी पाक साफ रखे, तो इसका नाम तकवा है। ठीक हो गया, क्लियर है। अब हम देखते हैं कि तकवा का मरकज़ क्या है। तकवा का मरकज़ इंसान का दिल है। दिल की इस्लाह, अगर दिल की इस्लाह होगी तो समझो बच्चों सारे जिस्म की इस्लाह है। तकवा दरअसल दिल की कैफियत का नाम है, इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सीने की तरफ इशारा फरमाया और कहा, अल तकवा हाकुना, तकवा यहाँ है। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं कि तकवा के दर्जात क्या हैं। तकवा के तीन बड़े दर्जात बयान किए गए हैं, जो दर्ज ज़ैल। नंबर एक, अदना दर्जा का तकवा। अब अदना दर्जा का तकवा क्या है? अदना दर्जा का तकवा ईमान है, यानी सिर्फ खाली ईमान है जो अजाब जहन्नम से बचने का जरिया है। अब इसका दूसरा दर्जा क्या है? औसत दर्जा। औसत दर्जे का तकवा कि सगीरा गुनाहों पर इसरार ना किया जाए और कबाइर से पूरी तरह इज्तनाब किया जाए, यानी क्या है? सगीरा गुनाह क्या है? छोटे गुनाह, यानी जैसे झूठ बोलना, चोरी करना, चुगली करना, इनको हम सगीरा गुनाह समझते हैं, तो इन गुनाहों को गुनाह ना समझा जाए। और कबायर गुनाह क्या है? जैसे जना है, शिर्क है, ये जो गुनाह है इनको गुनाहे कबीरा को गुनाह समझा जाए और इनसे इज्तनाब किया जाए, तो ये ईमान का औस दर्जा यानी दरमियाना दर्जा है। अब आला दर्जे का तकवा क्या है? आला दर्जे का तकवा ये है कि हर उस काम से परहेज़ किया जाए जो इंसान के दिल को याद इलाही से गाफिल कर दे। ये तकवा का बुलंद तरीन मुकाम है और अल्लाह ताला के खास बंदों की सिफत है। ठीक हो गया बच्चों, क्लियर है। अब हम तकवा की अहमियत कुरान और हदीस की रोशनी में देखते हैं। सबसे पहले हम तकवा की अहमियत और इसकी फजीलत कुरान की रोशनी में देखते हैं कि कुरान इस सिलसिले में हमें क्या कहता है। नंबर एक, तमाम इबादत की असल रूह। इंसानी तहलीक का मकसद इबादत है, जैसे कि इरशाद इलाही है। कुरान पाक में अल्लाह ताला का इरशाद होता है, वमा खलकतुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, और मैंने पैदा किए जिन और इंस सिर्फ इसलिए कि वो मेरी इबादत यानी बंदगी और फरमाबरदारी करें। फिर इबादत का असल मकसद तकवा का हसूल है। ठीक हो गया, फिर कुरान मजीद में मजमूई तौर पर तमाम इबादतों की गर्ज यही बताया गया, यानी क्या? तकवा। ये तुम्हारे अंदर तकवा पैदा करने के लिए हैं।
कुरान पाक में एक और जगह पर सूरत अल-बकरा में अल्लाह ताला का इरशाद होता है, या अय्युहन्नासु बुदु रब्बुकुम अल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। ऐ लोगो, तुम अपने रब की इबादत करो जिसने तुम्हें पैदा किया और उन लोगों को जो तुमसे पहले, ताकि तुम परहेजगार हो जाओ। ठीक है, इस तरह हम एक दो और आयात देखते हैं। इस कुरान पाक में एक और जगह सूरत अल-अनकबूत में अल्लाह ताला का इरशाद होता है, इन्नस सलाता तन्हा अनिल फख्शी अनिल फख्शाई वल मुनकर, बेशक नमाज रोकती है बेहयाई और बुराई को। ठीक हो गया। अब इसमें हम देखते हैं कि कुरान की रोशनी में असल इंसान का बनाव सिगार क्या है, तकवा। अल्लाह ताला के मुकर्रब और प्यारे बंदों को अपनी ज़ेब व ज़ीनत के लिए जो अलबास अख्तियार करना चाहिए, लिबास पहनते हैं, वो तकवा नहीं है। तकवा क्या है? तकवा है अल्लाह ताला के बताए हुए रास्तों पर चलना, यानी असल लिबास हमारा वो है। कुरान पाक में एक और जगह पर अल्लाह ताला का इरशाद होता है, लिबासुल तकवा ज़ालिका खैरुन, और तकवा का लिबास ही सबसे अच्छा है। फिर इसके बाद क्या है? अच्छा लिबास इससे ज़ाहिर होता है कि लिबास की मखसूस वजह, यानी अल्लाह ताला हरगिज़ ये नहीं चाहते कि हम शलवार पहने, शलवार कमीज़ पहनना ही तकवा है। अगर शलवार पहनकर या कमीज अच्छा लिबास से बेतन करके इंसान खिलाफ़ तकवा काम करे तो फिर वो तकवा तो ना हुआ ना। मसलन नमाज ना पढ़े तो ऐसी शलवार कमीज़ का, ऐसे अच्छे लिबास का क्या फ़ायदा? तो इसलिए तकवा क्या है, बेहतरीन लिबास क्या है, अच्छे अमाल। ठीक है, अब इसकी अहमियत कुरान करीम की रोशनी में हम देखते हैं कि इंसान जब देखिए इस दुनिया में जब इंसान सफ़र करता है तो अपने सफ़र के लिए कुछ अपने खाने पीने का सामान या रास्ते में किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है, तो अख्तियार का तकाजा यही है ना कि वो अपने साथ कुछ सफ़र रख ले। ठीक है, ताकि उसे दूसरों के सामने हाथ ना पिलाना पड़े, मांगना ना पड़े। तो ये तो दुनियावी ज़िंदगी की ज़रूरत है। अब हम आखिरत के लिए देखते हैं कि आखिरत के सफ़र के लिए कि भी हमें कुछ ज़ादेरा की ज़रूरत है, और जो आखिरत के सफ़र के लिए हमारे पास ज़ादेरा होगा, रास्ते का सामान होगा, वो ज़ादेरा क्या होगा? वो है तकवा। सूरत अल-बकरा में अल्लाह ताला का इरशाद होता है, वतज़वद्दु फ़इन्ना खैरुज़्ज़ादुत तकवा, बस बेशक बेहतरीन ज़ादेरा तकवा है। ठीक है बच्चों, अब हम इसका इरशाद होता है, इदलु हुवा अक़रबु लित्तक़्वा। ठीक है, फिर सूरह आल इमरान में अल्लाह का इरशाद होता है, वइन तसबरु वतत्तकु फ़इन्ना ज़ालिका मिन अज़्मिल अमूर, और अगर तुम सब्र करो और परहेजगारी करो तो बेशक ये बड़े हिम्मत के कामों में से हैं। ठीक है, व अंताफ़ु अक़रबु लित्तक़्वा, अगर माफ़ करो तो ये परहेजगारी के करीबदार है। फिर हम देखते हैं कि अहादीस की रोशनी में तकवा की अहमियत क्या है, यानी तकवा के मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात क्या हैं। इस सिलसिले में चंद हदीसें हैं। तकवा से दिल में खौफ खुदा पैदा होता है, ये सही मुस्लिम की हदीस है। इंसान हकूक व फ़राइज़ से आगाह होता है, हलाल और हराम की तमीज़ होती है। जिन चीज़ों का हलाल या हराम होना शरीयत से मलूम नहीं, साहब तकवा ऐसी मशकूक अशिया से भी कश रहता है, ये मुतफ़िक़ा हदीस है। फिर तकवा आबरू और खुदा की खुशनुदी और बुलंद दर्जात का मौजब है। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं कि तकवा के फ़ायदे समरात क्या हैं। तकवा के बेशुमार फ़ायदे हैं, यानी तकवा अख्तियार करने से हमें बेशुमार फ़ायदे हासिल होंगे, और ये फ़ायदे ऐसे ही नहीं होंगे बल्कि आखिरत में इनका अल्लाह ताला ने कुछ फल रखा हुआ है। वो फल क्या है? सबसे पहले तकवा से अल्लाह की मोहब्बत हासिल हो जाती है। कुरान मजीद की सूरत तौबा की आयत में इरशादे बारी ताला है, इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीन, बेशक अल्लाह ताला परहेजगारों को दोस्त रखता है। ठीक है, सुबहान अल्लाह, वाह भाई वाह, क्या कितनी शान और फजीलत है उन लोगों की जिनसे अल्लाह मोहब्बत करे। अब देखें ना, इंसान को और क्या चाहिए? हु इल्लल मुत्तकून, इसके मतवाली तो सिर्फ मुत्तकी हैं। ठीक हो गया, अब इसका दूसरा बड़ा फ़ायदा क्या है, और इस तकवे का फ़ायदा क्या है, और इसका फिर हमें क्या फल मिलेगा? आखिरत में हमें इसका अजर मिलेगा। ठीक हो गया, फिर इसका तीसरा बड़ा फ़ायदा क्या है कि हमारा गुनाहों का अजाला हो जाता है, यानी जो हम गुनाह करते हैं इस दुनिया में रहते हुए, तकवा अख्तियार करने से हमारे वो गुनाह धुल जाते हैं। तकवा अख्तियार करने से गुनाह धुल जाते हैं। सूरह अत-तलाक में इरशाद रब्बानी है, वमन यत्तकिल्लाह युकफ्फिरु अन्हु सय्यातिहि वयुअज़्ज़िम लहु अजर, तर्जमा, और जो अल्लाह से डरेगा और इसकी बुराइयाँ इससे दूर फरमा देगा और इसको बड़ा अजर देगा, यानी अल्लाह ताला से अगर डरते रहेंगे तो अल्लाह ताला हमारी बुराइयों को हमसे दूर कर देगा।
फिर अमाल की कबूलियत का तकवा बहुत बड़ा ज़रिया है। वो कैसे? तकवा ही अमाल हसना की कबूलियत का बाइस बनेगा आखिरत में, ठीक है। इन्नमा यतकब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तकीन, अल्लाह ताला तो सिर्फ तकवा वालों से ही कबूल फरमाता है। फिर इसकी एक और बड़ी फजीलत है जिसका हमें इसका फ़ायदा भी है और इसका हमें फल भी मिलेगा, वो क्या है? तकवा से असल रोनमाई नसीब होती है। कुरान हकीम एक हदायतनामा है, इसके फहम और इससे रोनमाई हासिल करने के लिए भी तकवाई को शर्त करार दिया गया है। कुरान पाक में इरशाद होता है खुद्दन लिलमुत्तकीन, यानी कुरान तकवा रखने वालों के लिए बाइस से हदायत है। अब इसका एक और बड़ा फ़ायदा है, वो क्या है? दुनिया और बच्चों, तो ये फिर इस तरह तकवा का एक और बड़ा फ़ायदा है कि दुश्मन के मकर और मकर फ्रेब से इंसान बच जाता है। वो कैसे? कि एक मुत्तकी शख्स तो इसका तकवा दुश्मन के मकर फ्रेब से बचाता है। सूरह आल इमरान की आयत में अल्लाह ताला का इरशाद होता है वाइन तस्बिरु व तत्तकू ला यज़ुर्रुकुम कैदुहुम शैया, और अगर तुम सब्र करो और परहेजगारी करो तुम्हारा ना बिगाड़ सकेगा उनका फ्रेब कुछ भी। यानी अगर दुश्मन कवि है तो बचाने वाला अल्लाह ताला कवि कर है, ठीक है। फिर तकवा का एक और बड़ा फ़ायदा है, वो क्या है? हिकमत की जड़। तकवा का इनाम हिकमत और दानिश का हसूल है। इरशाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है हिकमत की बुनियाद खौफ इलाही है। अलगर्स अब ठीक है, इस सारी मतलब जो हमने तकवा के बारे में पढ़ा है, इस सारे हम इससे हमें क्या सबक मिला है? इससे हमें ये मिला है कि तकवा मोमिन का ओढ़ना और बिछोना है जिससे वो किसी हालत में जुदा नहीं हो सकता। तकवा से बहुत से फैज़ो बरकात हासिल होते हैं। तकवा इबादात में खुशू और अमाल में खलूस पैदा करता है। दीनी मामलात में सबसे ज़िम्मेदारी और हकूक़ की अदायगी पर उभारता है। इंसान फिल हकीकत तकवे के बलबूते पर ही खिलाफत अर्जी के तकाजे पूरे करता है और आखरत में आखरत में बकौर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फला खौफन अलैहिम वला हुम यहज़नून, और उन पर ना कोई खौफ होगा ना वो गमगीन होंगे। तो बच्चों आज हमारा ये आज का हमारा तकवा का टॉपिक ख़त्म हुआ है, ठीक है। चलें, अल्लाह हाफिज़।